हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। दलिया की टिकिया बनाने के लिए जो चीज़ें हमें लगेंगी उसमें है दलिया। देखें, ये दलिया है, भून के हम लोग रखते हैं और इस दलिये को मैंने पकाया है। दलिया पकाना मैं एक रेसिपी में बता चुकी हूँ। 2 कप पानी डाल के इसे हमने बनाया है कुकर में और ये ड्राई होना चाहिए, ड्राई दलिया है। 1 कप स्प्राउट बहुत छोटे छोटे हो गए हैं लेकिन मैंने फिर भी वो ले लिए, मतलब मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल के स्प्राउट्स। स्प्राउट्स अंकुरित दाल को कहा जाता है। स्प्राउट को मैंने पीसा है बारीक। अदरक चाहिए हमें 2 इंच, 2 हरी मिर्च चाहिए, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमें इतनी चीज़ें ज़रूरत लगेंगी। इसके अलावा तलने के लिए तेल। टिकिया बनाने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत। सबसे पहले हमने दलिये को पकाया, पानी डाल के दलिये को कुकर में विसल दी, 2-3 विसल, और भून के तो हम लोग हमेशा ही रखते हैं। तो हमने दलिये को पका के ठंडा कर लिया। ये स्प्राउट्स के मूंग हैं, हमने ये लिए और इसको मिक्सी में डाल के पीस लिया। वो भी मैं पीस के इसमें मिला रही हूँ ताकि इसमें विटामिन बी और फाइबर्स और मिनरल्स हमें अच्छी तरह से मिल सकें। और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, बारीक बिल्कुल कद्दूकस किया हुआ अदरक है। इसमें हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे मिर्ची, अपने हिसाब से डालें, अगर 1/2 चम्मच ज़्यादा होगी तो कम डालें, कच्चा जीरा, 1/2 चम्मच नमक। और ये डालने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला के इसकी टिकिया बना लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, यूँ तो टिकिया बहुत अच्छे से बन रही है, पर हो सकता है कि कभी ये टिकिया तेल में टूट जाए, तो इसको हम एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं और इसको माइक्रो के कन्वेक्शन में भी हम ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को इसे तलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बेसन मिला लेंगे ताकि बेसन भी इसमें ग्रिप दे देगा और वो फिर टूटने से बचेगा। तो कितना बेसन मिलाएंगे, 2 चम्मच। हमने 2 चम्मच बेसन मिलाया है। कॉर्नफ्लोर या मैदा हम इसमें नहीं डाल रहे हैं ताकि बेसन में भी ग्लूटेन नहीं है। और फिर इसकी टिकिया बना लेंगे। हो गया है, तेल गरम हो गया है और उसमें मैं डाल रही हूँ ये टिकिया, और उसके बाद इसे हम डीप फ्राई करेंगे। जो लोग तला हुआ नहीं खाना चाहते वो लोग इसे माइक्रोवेव में और एयर फ्रायर में कर सकते हैं। मेरी एक रेसिपी एयर फ्रायर में करके मैंने बताई है पहले, लेकिन क्योंकि मिलेट ईयर है तो मैंने सोचा एक बार फिर से मैं इसको फ्राई वाली बता देती हूँ। इस तरह से इसे सारे को हम डीप फ्राई करेंगे। जो लोग जैन हैं और आलू का यूज़ नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी रेसिपी है जिसमें हमने आलू का यूज़ नहीं किया है। तो दलिया लिया और दलिये की जगह में आप किसी भी टाइप का मिलेट इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन डिश होगी। ये रेडी है और इसको हम इस तरह से निकालेंगे कि इसके ऊपर तेल ना भर जाए इसके अंदर, और इस तरह से इसको हम निकाल के हरी चटनी और सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। कोई भी डिप आप कर, डिप भी बना सकते हैं इसके साथ। ये बहुत ही न्यूट्रिशन है इसमें, और इसमें ग्लूटीन फ्री डिश बनके तैयार हुई है।